नमस्ते दोस्तों, आज हम दही वाली मिर्ची बनाएंगे। उसके लिए हमें 100 ग्राम हरी मिर्च और 100 ग्राम दही, तड़के के लिए कड़ी पत्ता, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा। अभी हम पहले तड़का डालते हैं। ये मैंने गैस पे बर्तन रख दिया है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। इसमें तेल थोड़ा ही डलेगा। अब हम इसमें जीरा, थोड़ी सी सरसों, कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये हमारी सरसों तड़कने लग गई है। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे। अभी मिर्ची हम थोड़ा सा मिर्ची को पकाएंगे, फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी लाल मिर्च। क्योंकि मेरी ये जो हरी मिर्ची है ये तीखी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दूंगी। और चटपटा के लिए थोड़ा सा आम चूरन, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कई बार दोस्तों क्या होते हैं, हम सब्जी खा के बोर हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी चटपटा खाने का मन होता है। तो ये हमारी मिर्ची अभी थोड़ा सा चटपटी बनेंगे। ये हमारी मिर्ची पक गई है, अब हम इसमें दही डालेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, दही डालने के बाद इसे हिलाते रहें। ये मैंने 100 ग्राम दही लिया है, इसको हिलाते रहें ताकि ये फटे नहीं, नहीं तो दही फट जाएगी। ये बनाने में भी टाइम कम लेती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। कभी कभी ये खाने का स्वाद बहुत बढ़ा देती है। अब इसको जब तक पकाएंगे तब तक, अगर नहीं पक बीच में छोड़ देंगे तो ये दही फट जाएगी। इसको हिलाते हिलाते पकाना है। देखिए हमारी ये पकने लगी है थोड़ा सा। ये देखिए हमारी मिर्ची पकने लगी है। देखिए उबाल आने लग गया, ये तेल छोड़ने लग गया है। देखने में देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। हम इसको जब तक हिलाएंगे जब तक इसका थोड़ा सा ये दही कम हो जाए।
ये देखिए दोस्तों हमारी मिर्ची बन गई है। इसने देखो तेल भी छोड़ दिया है। अभी ये हमारी बन के तैयार होगी। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। देखिए थोड़ा सा गरम मसाला, इसको भी मिला देंगे। ये हमारी मिर्ची बनके तैयार हो गई है। इसमें ये देखो दही भी कम हो गया है, अब खाली इसका मसाला रह गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और कटोरी में डालते हैं। ये देखिए हमारी मिर्ची तैयार हो गई है। इसमें इसमें ज़्यादा तेल है और खाने में भी स्वादिष्ट है। और ये मिर्ची हम 3 या 4 दिन तक रख के भी खा सकते हैं। ये हर सब्जी का स्वाद बढ़ाएगी। धन्यवाद।